दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े ना हो गए ना, तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना और चैनल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। तो सुन, बेजुबान पत्थर पे लदे हैं करोड़ों के गहने मंदिरों में, उसी दहलीज पे एक रुपए को तरसते नन्हे हाथों को देखा है, सजेते छप्पन भोग और मेवे मूरत के आगे, बाहर एक फकीर को भूख से तड़प के मरते देखा है, लदी हुई है रेशमी चादरों से वो हरी मजार, पर बाहर एक बूढ़ी अम्मा को ठंड से ठिठुरते हुए देखा है, वो दे आया 1 लाख गुरुद्वारे में हॉल के लिए, घर में उसको 500 रुपए के लिए काम वाली बाई को बदलते देखा है, सुना है चढ़ा था सलील पे कोई दुनिया का मर्द मिटाने को, आज चर्च में बेटे की मार से बिलखते माँ बाप को देखा है, जलाती रही जो अखंड ज्योति देसी घी की दिन रात पुजारन, आज उसे प्रसव में कुपोषण के कारण मौत से लड़ते देखा है, जिसने न दी माँ बाप को भर पेट रोटी कभी जीते जी, आज लगाते उसको भंडारे मरने के बाद देखा है, देके समाज की दुहाई ब्याह दिया था जिस बेटी को जबरन बाप ने, आज पीटते उसी सोहर के हाथों सरे राह देखा है, मारा गया वो पंडित बेमौत सड़क दुर्घटना में यारो, जिसे खुद को काल सर्प तारे और हाथ की लकीरों का महार लिखते देखा है, जिस घर की एकता की देता था जमाना कभी मिसाल दोस्तों, आज उसी आंगन में खींचती दीवार को देखा है, बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर, अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा, आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल पाऊंगा, गिद्ध भी कहीं चले गए लगता है, उन्होंने देख लिया कि इंसान से अच्छा मैं नहीं सोच पाऊंगा। अगर मेरी बातें सच्ची और दिल पे लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, समझ जाऊंगा तू एक सच्चा देशभक्त है, और जाते जाते कमेंट में अपने माँ बाप के लिए 2 लाइनें लिखकर जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।